दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के खास कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों आज देश की सत्ताधारी जो पार्टी है उसके एक बड़े नेता कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के भारत को कोई आंख नहीं दिखा सकता। बिल्कुल सही, प्रधानमंत्री मोदी क्या हम सबका भारत है? इस देश की करोड़ों करोड़ आबादी, हर कोई भारत के लिए, भारत की नागरिकता के हिसाब से सभी इस प्रधानमंत्री जी हमारे जो हैं, हमारे जो मंत्री जी हैं, सरकार में जो बैठे लोग हैं, वो सब उतने ही भारत के हैं जितने हम सब हैं। एक एक नागरिक के लिए भारत का उतना ही गर्व है, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी बड़े नेता के लिए। इसलिए भारत पर जब भी कोई बाहर की शक्ति, बाहर के किसी फैक्टर्स से कोई चुनौती आती है, भारत एक रहता है। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, साधारण मजदूर हो, कर्मचारी हो या आम नागरिक हो। बिल्कुल सही, सत्ताधारी दल के नेता की बात बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों जब कोई घर के अंदर से ही कुछ समस्याएं, कुछ फैक्टर्स आंख उठाएं हम पर, हमारी संवैधानिकता पर, हमारी सरकार के काम करने के तौर तरीकों पर, हमारी जो नीति निर्देशक जो प्रणाली है उस पर, फैसला लेने के तौर तरीकों पर, तो आप क्या कहेंगे? तो दोस्तों कोई बाहर का नहीं, अंदर का, अंदर की स्थितियां हम पर आंख उठाकर हमारे ऊपर सवाल कर रही हैं, और वो है भूख, बीमारी, बेकारी, बेहाली। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तीन बड़ी घटनाएं मेरे सामने हैं। एक घटना कि गुजरात से चली हुई एक औरत अपने बच्चे के साथ, गुजरात से वो चलती है, उसको बिहार जाना है, लेकिन जब वो मुजफ्फरपुर पहुंचती है 60 घंटे के बाद, तो उसका मृत शरीर, उसकी डेड बॉडी ट्रेन से उतारी जाती है। और जब वो रेलवे स्टेशन पर उसकी डेड बॉडी लिटाई जाती है और एक चादर उड़ाई जाती है, तो एक बच्चा जो उसका अपना बच्चा है, दुधमुहा बच्चा, चादर को खींचता है अपनी माँ को जगाने के लिए कि उठो उठो। उसको नहीं मालूम कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, दुधमुहा बच्चा। एक दृश्य ये है जो टेलीविजन चैनलों पर और हमारे सोशल मीडिया पर आज लगातार, सोशल मीडिया पर उसको कहते हैं, वायरल हो रहा है। टेलीविजन चैनल भी उसको कुछ दिखा रहे हैं, कुछ एक दिखा रहे हैं, कुछ एक चाइना और भारत के बीच में जो लद्दाख में जो एक टकराव की स्थिति बनी हुई है उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरी जो खबर है वो भी कम हैरान करने वाली नहीं है। वो मुंबई से चले हुए लोग, उसमें एक सज्जन जो आते हैं और अपने भतीजे के साथ, और वो बैठते हैं 46 साल के, उनको मछली शहर, जौनपुर के मछली शहर जाना है, और जब 60-70 घंटे के बाद वो पहुंचते हैं बनारस, तो उनका मृत शरीर नीचे उतारा जाता है। उन्हें बताया गया था कि पानी और खाना दोनों मिलेगा ट्रेन में, 940 रुपए प्रति व्यक्ति ने टिकट का पैसा भी दिया था, लेकिन न तो पानी मिला न तो खाना, और ट्रेन रुकी नहीं कहीं, और वो बीच में इतनी हालत खराब उनकी हुई कि वो भी मर गए और उनकी भी डेड बॉडी उतारी गई। तो ये दो जो मृत लोग हैं, ये मजदूर लोग हैं जिनको आजकल यहाँ पर लोग माइग्रेंट लेबर कहते हैं। पता नहीं कहाँ से माइग्रेंट हैं, कहाँ से वो प्रवासी हैं, जैसे लगता है किसी और मुल्क के लोग हैं। वे मजदूर हैं इसी मुल्क के, और ये दो जो मौतें हैं, इस तरह की असंख्य मौतें हमें और हमारे जनतंत्र पर, हमारे काम करने की प्रणाली पर, हमारे नजरिए पर, हमारे शासन के अंदाज पर रोज आंख दिखा रही हैं, रोज सवाल उठा रही हैं। दोस्तों तीसरी घटना जो बिल्कुल अलग है, एक मजदूर की नहीं है, एक खाते पीते परिवार के है, और जो अर्ध शहरी या शहरी परिवार है, और वो है ग्रेटर नोएडा का एक परिवार, जिसका एक बच्चा जिस घर में पैदा होता है, बड़ी खुशियां मनाई जाती होंगी जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, नवजात शिशु बिल्कुल स्वस्थ पैदा होता है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं, अचानक स्थितियां बिगड़ती हैं, वो उसके घर के लोग अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं, कई अस्पतालों में जाने के बाद पता चलता है कि उसका इलाज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि माहौल इस तरह का प्रशासनिक स्तर पर बना दिया गया है कि किसी नॉर्मल रोग में, किसी भी सामान्य रोग में भी COVID-19 के नाम पर इलाज नहीं लोगों का हो रहा है, और उस बच्चे का भी ठीक से इलाज नहीं हुआ, लिहाजा ग्रेटर नोएडा का वो बच्चा मर गया। कल्पना कीजिए, ये तीन जो मैंने उदाहरण दिए, ये केवल एक नमूने हैं। नमूने इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं कि इस देश में असंख्य घटनाएं मजदूरों के मरने की हो रही हैं, बिना पानी के, बिना खाना के, पैसे के अभाव में,
और बदहवासी बेहाली की हालत में कोविड 19 के वो पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल सिचुएशंस में मर रहे हैं, भूख की वजह से मर रहे हैं। और अस्पतालों में लोग कोविड 19 के कारण जो मर रहे हैं उनकी संख्या तो हमारी सरकार सिर्फ बता रही है 4000 से थोड़ी सी ऊपर, लेकिन अस्पतालों में मरने वालों की तादाद तो हजारों में है। बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कितने सारे लोग मर रहे हैं, न जाने किन किन रोगों से मर रहे हैं। तो दोस्तों ये हालात हैं, और सोचिए आप, मंत्री जी कह रहे थे कोई बाहर की ताकत के बारे में, मैं तो कहता हूं कि अंदर की स्थितियां, आपकी सरकार, आपके समाज, आपके प्रशासन ने जो स्थितियां पैदा की हैं कोविड 19 से जूझने के नाम पर, उन स्थितियों में ये लोग मर रहे हैं। अब आप बताइए मंत्री जी, कौन आप किसको दिखा रहा है? तो दोस्तों सवाल इस बात का है कि हमारे शासन की और जो नीति निर्धारक हैं, जो योजना बनाते हैं, योजनाकार जो हैं, उनकी चिंता क्या है, हमारे सरोकार क्या है। अब आप देखिए हमारे समाज के जो डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट जो घटक हैं, उनकी क्या चिंता है। हमारे देश का जो मुख्य धारा का मीडिया है उसकी चिंता इस समय इंडो चाइना बॉर्डर है। ऐसा लगता है 5 मई और 9 मई को हुई दो घटनाओं के जरिए वो बताने में तुला हुआ है कि इस समय भारत की जनता को, भारत की सरकार को सिर्फ और सिर्फ लद्दाख बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके बारे में सोचना चाहिए। अगर 5 मई की घटना है तो आज 23 मई 24 मई के बाद ये कवरेज क्यों शुरू हुआ? ये क्या कोई डायवर्जन की टैक्टिस है? क्या इसके पीछे कहानी है? कौन नहीं जानता कि उस इलाके में आज से नहीं बहुत साल, हमने देखा 2017 में डोकलाम हुआ था, 2014 में घटनाएं हुई थी, 2013 में घटनाएं हुई थी। तो ये भारत और चीन सक्षम है कि इस मुद्दे को, इस मसले को हल कर लें, एड्रेस कर लें। लेकिन मीडिया सुबह से शाम तक बगैर उस घटना स्थल पर गए, बगैर उस इलाके में गए, सब कुछ किसी ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक के किसी नक्शे के आधार पर या यहीं से बैठे काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर बता रहा है कि वहां किसके कितने सैनिक पहुंच चुके हैं। दूसरी बात, हमारी सरकार की क्या चिंता है? हमारी सरकार की चिंता यह है कि कैसे सारे विपक्षी खामोश हो जाएं। जैसे और सारे विपक्षी खामोश हैं तो ये जो एकाध जो विपक्षी नेता बोल रहे हैं वो भी कैसे खामोश हो जाए। रीजनल पार्टीज के जितने बॉसेज हैं तकरीबन सारे खामोश हो चुके हैं। अब सवाल इस बात का है कि कोई नेता कोई सवाल कर देता है तो बहुत नागवार गुजरता है। तीसरी बात कि सरकार की ये भी चिंता है कि जो राजनीतिक दलों से इतर लोग जो सामाजिक रूप से और जो बौद्धिक स्तर पर इस सरकार की मुखालफत करते हैं या इसकी नीतियों पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, राइटर्स हों, या जर्नलिस्ट हों, या कलाकार हों, उनका कैसे मुंह बंद किया जाए। तो असहमत लोगों के साथ कैसे सरकार इस प्रकार ट्रीट करे, इस प्रकार उनको एड्रेस करे कि उनकी बोलती बंद हो जाए। तो जेल में लोगों को डाला जा रहा है। और तीसरी चिंता हमारे कई ऐसे नेताओं को है दोस्तों इन दिनों, खासकर राज्यों में, कि मंदिर, मस्जिद, गिरजे सब खोल दिए जाएं। अभी येदुरप्पा साहब को मैंने देखा कि उन्होंने मांग की है कि उनके यहां जल्दी से जल्दी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे गिरजे खोलने की इजाजत मिले, अस्पताल खोलने की इजाजत, अस्पताल कैसे बेड ज्यादा बढ़ाए जाएं, आईसीयू कैसे बढ़ाए जाएं, कैसे वेंटिलेटर्स की संख्या बढ़ाई जाए, कैसे डॉक्टरों को पीपीई ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा बेहतर मिले। कई जगह पता चला है इंदौर में खासकर कि जो पीपीई गुजरात से आए थे बनकर वो इस तरह खराब थे कि डॉक्टर्स ने उन पीपीई को पहनकर काम करना शुरू किया और वो बीच में फट गए, दरक गए और वो इंफेक्शन का शिकार हो गए। कई ऐसी भी घटनाएं घटी हैं। तो दोस्तों इन चीजों पर हमारे प्रशासनिक नेताओं को, हमारे राजनीतिक नेताओं को चिंता नहीं है, उनकी चिंता दूसरी चीजों को लेकर है। जबकि ये मुल्क इस समय बेहद खतरनाक मंजर पर खड़ा है। और सच पूछिए तो जो बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि जून से लेकर सितंबर तक का महीना भारत में कोविड 19 के हिसाब से बेहद नाजुक है, और इस महीनों में, इन आने वाले महीनों में देश की सरकार को और समाज को और लोगों को सावधान ज्यादा रहना होगा। अभी क्या स्थितियां हैं दोस्तों? अभी हम कुल मिलाकर 1.5 लाख के आसपास संक्रमित लोग हैं, जो माना जा रहा है कि एशिया में तो सबसे अधिक हो गई है संख्या, और
कम से कम जांच कराने वाले मुल्कों में अभी भी भारत शामिल है। 31 लाख लोग हाल तक यहां पर जांच जिनकी हुई थी, टेस्टिंग हुई थी, वो भी 100 दिनों में। और दोस्तों दूसरी तरफ उदाहरण यह है कि चीन ने वुहान प्रांत में जहां पर सबसे पहले ये रोग फैला, पता ये चला कि वहां पर 206 लोगों को हाल के दिनों में भी इन्फेक्शन हुआ इस कोविड 19 का। तो उन्होंने वुहान में जहां टेस्टिंग पहले खूब जम के हुई थी, अभी हाल में 12 दिनों में, हाल के दिनों में 12 दिनों में 67 लाख सिर्फ और सिर्फ वुहान में उन्होंने टेस्टिंग करा ली, 67 लाख। और जबकि हम 100 दिनों में पूरे देश भर में हम 31 लाख टेस्टिंग करा पाए हैं, ये संख्या हम कल की बता रहे हैं आपको। अब आप बताइए कि ऐसे दौर में हम कैसे माने कि हम वाकई सतर्क हैं, हम ज्यादा संजीदा हैं, हम वाकई अपने योजना का, गैर योजनागत खर्च का और पैकेज जो है उनका खर्च हम इस क्षेत्र पर कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये जो हालात हैं, अस्पतालों की किल्लत है, अब जैसे पूरे देश में केरल जैसी स्थितियां तो नहीं है कि सारे स्टेट में अस्पताल बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं, इन पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हमारी सारी चिंता, हमारी सारी जो जो जो, जो सरोकार हैं वो मतलब उनका नहीं रह जाएगा, वो उनको एड्रेस नहीं किया जा सकेगा। बिल्कुल अंत में चलते चलते दोस्तों की क्वारंटीन, अस्पताल के साथ क्वारंटीन और आइसोलेशन के जो बनाए गए हैं रूम्स, उनकी क्या हालत है, उत्तर प्रदेश से भयावह खबरें मिल रही हैं। अभी हम आपको बताएं, ईद से पहले यूपी में क्वारंटीन रहे 600 मुस्लिम लोगों को रिहा किया गया, उनको छोड़ा गया। आप जानते हैं वहां पर 2227 लोग क्वारंटीन में रखे गए थे, उनमें 600 लोगों को छोड़ा गया। मेरठ में 296, लखनऊ में 157, कितने दिन पर, 50 दिनों के बाद, 50 दिनों के बाद, जबकि 14 दिन या 21 दिन, 28 दिन अधिक से अधिक ये क्वारंटीन में रखने की एक प्रोविजंस है, लेकिन 50 दिनों तक क्यों? जब पूछा गया पत्रकारों ने, स्थानीय पूछा, तो लोगों ने कहा कि ऊपर से निर्देश का हम इंतजार कर रहे थे, इसलिए इनको 50 दिन रखना पड़ा। अब ये हालात हैं, अगर आप अपने ही नागरिकों को शत्रु की तरह, उनको उनको किसी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि जिसको कि आपको लगता है कि ये इनके साथ हमें इस प्रकार का करना है जैसे कोई दुश्मन के साथ किया जाता है, अगर इस तरह का ट्रीटमेंट होगा तो दोस्तों क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम रोग से नहीं, ऐसा लगता है कि रोगी से लड़ रहे हैं। हमें लगता है कि हम अपने लोगों को बेहतर करने में, उनको स्वस्थ करने में, उनको उनको सतर्क करने के बजाय, उनको हम रोग से बचाने के बजाय उनको हम आफत में डाल रहे हैं। ये जो मिजाज है, जब तक इस पर अंकुश नहीं लगता, अगर इसको हम नहीं ठीक करते तो हाल वही होगा। अब बिल्कुल चलते चलते हम मजदूरों पर फिर आते हैं और अपनी बात खत्म करते हैं। अभी बहुत सारे लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि गांव में मजदूर जा रहे हैं तो वहां संक्रमण हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें, मार्च के बिल्कुल आखिरी महीने, आखिरी सप्ताह में बिहार में 2 लाख के आसपास मजदूर गए थे बाहर से। उत्तर प्रदेश की सरकार ने मदद की थी, दिल्ली में भी कुछ मदद की गई थी, उसमें एक भी संक्रमित नहीं निकला। लेकिन इतने दिनों की बात, जब बेहाल होने लगे शहर, जब बदहवासी बढ़ गई, जब मजदूर बिल्कुल खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए बेहाल हो गए, मुहाल हो गए, उनके मकान मालिकों ने उनको घर से निकालना शुरू कर दिया, तब जाकर इस सरकार ने कहा अब गांव जाओ, ट्रेनें शुरू कराई। ट्रेनों का हाल हम सब जानते हैं, अभी भी महाराष्ट्र में लोग इंतजार किए जा रहे हैं। और ये मजदूर जब 2 महीने के बाद जब वहां गए हैं और विभिन्न राज्यों में संक्रमित होकर जब जा रहे हैं, उसमें से 5, 10, 20, या 50, तो कहा जा रहा है कि कोविड 19 लेकर ये आ गया है। तो ये जो हालात हैं, मैं समझता हूं इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यही सवाल सबसे बड़ा है। कि आप कह रहे हैं कि आंख दिखाने वाला बाहर का अगर आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन आंख तो आपको स्वयं आप द्वारा पैदा की गई परिस्थितियां दिखा रही हैं, उनको कैसे आप चुनौती देंगे, उनसे कैसे आप सामना करेंगे, असल सवाल आज का यही है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.